आदमी का भरोसा नहीं है, क्योंकि लंका सोने की है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। भगवान ने भरोसा नहीं किया, आप क्यों भरोसा करती हैं? मत भरोसा करिए। मेकअप करके बाहर जाते, कोनो देखिस, लगातार देखिस, एक तक देखिस, देखते हो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, और नहीं देखिस साला कुत्ता देख भी नहीं रहा है। औरत आदिकाल से अपनी प्रशंसा के सापेक्ष है। औरतों के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हुई, विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई। माया की जो प्रवृत्ति औरत में है वो किसी में नहीं है, लेकिन एक बात है, औरत का जो वात्सल्य भाव है, जो उसकी ममता है, सिर्फ दुनिया में एक रिश्ता है माँ। माँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, आज दुनिया में मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं। मैं विश्व के आज इस डीबी विप्र कॉलेज में एक काम करता हूँ, और जो मेरी माँ की उम्र की माताएं हैं उन्हें मैं माँ समझ के प्रणाम करता हूँ। माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, आखिरी तक सुने, माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो बेटे यहाँ बैठे हैं, जिन्हें कोई लोरमी से आया, कोई तखतपुर से आया, कोई और कहीं पखंजुर से कहीं से आया हुआ है, अपनी माँ की ताकत को अपने साथ रखिए। माँ का साया आपके ऊपर रहेगा बेटा, दुनिया की कोई कष्ट कोई तकलीफ आपको परेशान नहीं कर सकती। दुनिया में एक रिश्ता है, एक माँ जो बच्चे को मार के खिलाती। आप हमेशा देखिएगा, पत्नी मार के नहीं खवाए, वो सामने मढ़ा देते कोटना में, तो मन करे तो खा, नहीं तो जा होती ब्लैक मुंह कर, मैं इला काला मुंह भी कही सकत रहे हैं, फिर वो फ्लेवर मोर आ जाते अंग्रेजी बोले, जा होती ब्लैक मुंह कर। सिर्फ माँ है दुनिया में माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है, और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है, रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं। ये है माँ। माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अभी आदरणीय ने बताया, भगवान कृष्ण का जन्म हो, भगवान राम का जन्म हो, माँ जन्म देती है। और आने वाली जो मातृशक्तियाँ, हम चाहे औरत के लिए, लड़कियों के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन दुनिया की तमाम शक्तियाँ इन्हीं के पास हैं। ज्ञान चाहिए माँ शारदे, धन चाहिए माँ लक्ष्मी, शक्ति चाहिए माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ काली। शंकर भगवान के पास क्या है? ऐसा जैसे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कुछ नहीं है, पूरी ताकत इन्हीं के पास है। इसलिए तिवारी जी, सुबह उठकर बहुरिया का पांव पड़ो, पूरी शक्ति उन्हीं के पास है। आज मैं विप्र कॉलेज के सभी प्रोफेसरों को सुधार के जाऊंगा, तय कर रखा है, कल से यहाँ महिला शक्ति महाशक्ति और पुरुष बेचारा सहन शक्ति। पुरुष बेचारा सहन शक्ति कविता अपने ऊपर लिखी, मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के गौरव बहुत है, लेकिन गरिमा बहुत है। एक तुलसी में दिया बारत रहा है, एक दाई हर, एक अंग्रेज आके, व्हाट इज दिस स्मॉल प्लांट, ये नानपुन पौधा क्या है इसकी, ये मेरा दाई है, दिस नानपुन पौधा इज योर दाई सका, हाँ ये स्मॉल प्लांट इज माई दाई से, देख मैं तेरे दाई का क्या गतर बनाता हूँ, पूरा तुलसी ला उखाड़ के फेंक दिस। तो अब छत्तीसगढ़ के औरत के ताकत देखो, और जितना ताली बजे ये अस्मिता में बजाना, पूरा सुन लो कर बात, जमानत जब्त मत कराओ। तो औरत की वो दाई है किस, अच्छा मोर दाई लू खान दे, ददल नहीं मिलस, कहाँ ददा इसे कि बाड़ी में चल इसे की, बाड़ी में लगी इसके वाँच के पेड़ नहीं, ये दादा है इसी की, वो अंग्रेज उखानी साले आज तक खजवात, आज तक खजवात है, बरमुंडा पहन के घूमत है, लाल लाल हो गए। हम ऐसे छत्तीसगढ़, हमारे ताकत बहुत है, गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल कर कसीस नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है छत्तीसगढ़िया।
छत्तीसगढ़िया धन्य धन्य ये धरती जिसने कौशल्या को जन्म दिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया, ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, अरे कलचुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ के वासी। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदर लाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है, खूब चंद बघेल का सपना चंदुलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर, ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी हाकी थाथी है, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ के वासी, ताल से ताल मिलाकर बोलो छत्तीसगढ़ के वासी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की, महानदी शिवनाथ खारुन इस धरती में बहती है, अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है, मोड़ जोक सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी, अरे धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो ताल से ताल मिलाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी, महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की, स्वामी आत्मानंद ने आध्यात्म का उपदेश दिया, तो राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया, मुकुट बक्सी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाथी है, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है, सप्रे जी पवन दीवान मंदरा जी की गाथा है, वामन बली राव लाखे यति यतन लाल, राघवेंद्र राव छेदी लाल ने कर दिया यहाँ कमाल, ठिठरी खुरमी बरी बिजोरी चीला खरा चीला चौसेला, जीनी कांदा मुंगा चुचरी करी लाड़ू अवकेला, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी हाकी थाथी है, अरे राजिम ताला मल्हार बार सुर चित्रकूट सिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरोदपुरी खरोद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदपुरी मटकुदीप नगपुरिया तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, ये कोरबा की मंडवा देवी बेमेतरा की भद्रकाली सारंगढ़ की चंद्रहासनी, धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़ की ये पूरी है विघ्न नाशनी, अरे धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है, अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की। दोनों हाथ उठा के, और अगर आप देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की उड़ान को, तालियों से ऊंचा कर दो आज की रात आसमान को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानी पद्मश्री कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, निश्चित रूप से इस अपने हास्यदेव से पूरे महाविद्यालय को एक नई ऊर्जा, आपके आशीर्वाद से आप हमारे एल बनी हैं। मैं सम्मानित प्राध्यापक बंधुओं कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान अभी होगा, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। दोस्तों, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। औपचारिक आभार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संजय। मैं सर डॉक्टर गोपन दुबे सर यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उनके सम्मान के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर उमाशंकर शुक्ला जी भी
पूर्व प्राचार्य मैंने देखा था, होंगे सर चले गए, अच्छा ठीक है कोई बात। आदरणीय गगन दुबे सर मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी हमारे चेयरमैन से अनुरोध करूँगा कि प्रोफेसर गौरवर्ण दुबे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उनका सम्मान आदरणीय पद्मश्री कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के द्वारा। मैं यहाँ पर पधारे परम सम्मानित पत्रकारगण मीडिया से आए हुए बंधुओं को सादर अभिवादन करता हूँ, महाविद्यालय परिवार के उनका स्वागत करता हूँ। औपचारिक आभार के लिए मैं आमंत्रित करूँगा यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल परम सम्मानित डॉक्टर संजय तिवारी सर को औपचारिक आभार। इसके पश्चात हमारे महाविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापक बंधुओं एवं कर्मचारी बंधुओं को भी इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। सभी गुरुओं को नमन व सभी शिष्यों का आभार। आदरणीय मंच व सम्मानित सदन, बारिश का मौसम है, चार पंक्तियां याद आ रही हैं। यह सुबह, यह आलम, यह फिजा मुस्कुराती है, बूंदे हवा में ही ठहरी हैं, जाने क्या गुनगुनाती हैं। एक श्यामल टुकड़ा बादल भी बिछा के चला गया, सच्चे गुरुओं को तो कायनात भी सर झुकाती है, सच्चे गुरुओं को तो कायनात भी सर झुकाती है। साथियों, गुरु वह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाए, गुरु वो है जो गिरते हुओं को थाम ले, गुरु वो है जो नाउम्मीद लोगों को हिम्मत दे। विक्टर हियागो कहते हैं, गुरु वो है जो स्कूल के दरवाजे खोलता है और जेल के दरवाजे बंद करता है। आभार की इस कड़ी आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का। सर, आपके लिए, आपकी जिंदा दिली के लिए चार लाइनें। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं हमने, तो नज़र नज़र केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। तो हैट्स ऑफ टू योर पोइट्री एंड योर पोइटिक स्किल सर, हम आपके आभारी हैं सर जो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष श्री अनुराग शुक्ला जी का। आपका ही कंसेप्ट था कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षकों का सम्मान किया जाए, उन्हें गिफ्ट दिया जाए, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन आज हो पाया। हमारे निमंत्रण पर पधारे शहर के गणमान्य नातेगणों का भी आभारी हूँ, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नगर स्तरीय बना दिया। मैं महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथियों, कर्मचारी बंदियों व छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी सहभागिता से इसको सफल बनाया। प्रेस मीडिया से आए पत्रकार बंधुओं, NCC NSS के वॉलंटियर्स, आशीर्वाद पैनल के सभी वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए, आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। थैंक यू ऑल। कृपया ध्यान दें, समस्त प्राध्यापकों से अनुरोध है कि वे अपना सम्मान जो है कक्ष क्रमांक 5 से ग्रहण करें।